बैंक खोला तो अंदर से तोड़ फोड़ की चीज़ें हुई थी सारी, फॉल सीलिंग वगैरह गिरी हुई थी। तो सूचना दी गई पुलिस थाने में और पुलिस के लोग तुरंत ही पहुँचे। तो हम लोगों ने जब अंदर उनके साथ जाके देखा तो अंदर किसी ने घुस के चीज़ें तोड़ फोड़ की थी और कैश मतलब कैश सेफ था वहाँ तोड़ फोड़ करने का प्रयास किया, जो कि पूरी तरह से असफल रहा और पुलिस को सूचना दे दी गई है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अंदर जो तोड़ फोड़ हुई है उसकी मरम्मत भी करा दी गई है। मतलब बैंक का कोई भी सामान या कोई भी चीज़ ऐसा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब किसी ने ऐसी तोड़ के पीछे से दरवाज़ा और बैंक में घुसने का असफल प्रयास जरूर किया। कितने लोग थे कुछ जानते हैं? ये मतलब जैसा लग रहा था पैर के निशान कुर्सियों पे थे, वैसे दो लोग लग रहे थे और जो भी थे उनमें मतलब बहुत होशियारी से ही आए थे। लेकिन चूँकि सिक्योरिटी अच्छी होती है, बैंक के जो लॉकर्स वगैरह होते हैं वो अच्छे होते हैं, मजबूत होते हैं, तो वो तोड़ तो नहीं पाए। लेकिन ये है कि मतलब परेशानी कर गए। हाँ, प्रयास अच्छा किया गया। और ये बार बार उधर मतलब इलाका वो ऐसा है कि वहाँ बार बार ऐसी वारदात हो जा रही हैं, तो हम मिलके अपने ऊपर भी अपने लोगों से बात करेंगे और वहाँ अच्छी सुरक्षा की व्यवस्था वापस। कितनी रकम थी बैंक में? रकम तो बैंक के हम डिस्क्लोज ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन रकम पे कोई भी मतलब तिजोरी को कुछ कर ही नहीं पाया, उसमें कोई भी उनका प्रयास नहीं हो पाया। फुटेज वगैरह कुछ? तो फुटेज वो हम सब सारी लेके हम बुलाया हुआ है, सारी फुटेज वगैरह निकलवा के पुलिस से डिस्क्लोज करके बात करते हैं। मैं गौरव हूँ। बैंक कौन सा है? यूपी बैंक, DAV कॉलेज। मैं वहाँ पे अभी पोस्टेड हूँ फिलहाल और वहाँ पे ऐसी घटना नहीं। गत रात्रि की घटना है, ब्यावर रोड पे DAV कॉलेज के सामने यूपी बैंक आई हुई है, जिसके पीछे वेंटिलेटर की खिड़की तोड़कर कोई अज्ञात व्यक्ति अंदर प्रवेश होकर बैंक में चोरी का प्रयास किया गया। स्ट्रॉन्ग रूम का ताला वो नहीं तोड़ पाए, इसलिए कैश वगैरह ले जाने में वो सफल नहीं हो पाए, मगर असफल चोरी का प्रयास किया गया। बैंक की तरफ से रिपोर्ट दी जिस पर प्रकरण दर्ज करके अज्ञात जो मुलजिमान हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो फुटेज CCTV चेक किया था, मगर अभी तक जो इनका ऑपरेटर है वो नहीं है। ऑपरेटर आने के बाद में चेक करेंगे। तो कितनी रकम बताया था बैंक में? रकम के बारे में अभी स्पष्ट उन्होंने बताया नहीं। चेस्ट ज़्यादा केस नहीं रहता है, चेस्ट ब्रांच नहीं है, फिर भी अभी जैसी वो रिपोर्ट देंगे भाई केस के बारे में। बाकी केस गया नहीं, उनका ये कहना है कि उनका जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो सेफ है।